हेलो ऑल, वेलकम टू टीटी गाइड। प्रीवियस वीडियो में सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 17 तक हम कंप्लीट किए थे। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18, 19 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ ए साइकिल इज 70 सेंटीमीटर, हाउ फार विल इट गो इन 250 रिवोल्यूशंस। करेक्ट, यहाँ पर व्हील लिया गया है। जैसे कि हम सर्कल का सर्कुम्फेरेंस निकाल रहे थे, तो सर्कुम्फेरेंस इज इक्वल टू 1 रिवोल्यूशन ऑफ दैट व्हील। तो यहाँ पर 250 रिवोल्यूशन में कितना दूर जाएगा वो पूछा है। तो हमने पहले हमको क्या करना होगा, सर्कुम्फेरेंस ऑफ सर्कल निकालना होगा, जो कि वो 1 रिवोल्यूशन के लिए आ जाएगा। अगर हम 1 रिवोल्यूशन के लिए निकाल देंगे तो 250 के लिए भी इजिली निकाल सकते हैं। और यहाँ पर डायमीटर हम ऑलरेडी गिवन है, तो डायमीटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं, अदरवाइज डायमीटर को लेके भी हम सर्कुम्फेरेंस निकाल सकते हैं। तो लिखना क्या है, डायमीटर हमारा 70 सेंटीमीटर, देन डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हाट व्हील इन 1 रिवोल्यूशन। मैं ये क्यों लिख रही हूं, क्योंकि 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू सर्कुम्फेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2πr। यहां पर लिख देती हूं, ये जो d है ना, ये 2r होगा, क्योंकि r इज इक्वल टू d बाय 2 है। तो ये 2r के जगह हमने d लिख सकते हैं, क्योंकि डायमीटर ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2πr। देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2πr, तो सेम टू सेम 2πr इज इक्वल टू पाई d लिख सकते हैं। ये पाई और 2r, 2r इज इक्वल टू d है, यहाँ पर 2r मैंने लिख दिया है और डायमीटर d है। तो पाई के जगह 22/7 डाल देंगे और ये हमारा 70 है। 7 को 70 में 10 आ गया और ये 220 सेंटीमीटर हमारा सर्कुम्फेरेंस आ गया। मतलब 1 रिवोल्यूशन 220 सेंटीमीटर वो जाएगा। ठीक है, हाउ फार विल इट गो अगर पूछा जाता इन 1 रिवोल्यूशन, तो डायरेक्टली ये जो सर्कुम्फेरेंस है ना, वो उसका आंसर हो जाता। पर हमको वो पूछा क्या है, हाउ फार विल इट गो इन 250 रिवोल्यूशन। तो हम लिख देंगे, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 250 रिवोल्यूशन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, कितना होगा, 220 इंटू 250। ठीक है, तो 22/25 पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया, 550, और दो जीरो पहले से इन दोनों में है, तो टोटल 550 और दो जीरो, तो 55,000 क्या होगा, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कन्वर्ट करेंगे, मीटर पे अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 100 हम ये कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मीटर पे कन्वर्ट कर लेंगे तो 0 मीटर, क्योंकि 100 डिवाइड कर लेंगे तो 2 जीरो नीचे जाएगा, 2 जीरो ऊपर है, तो कट हो जाएगा, 550 रह जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 250 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 550 मीटर, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, हाउ फार विल इट गो इन 250 रिवोल्यूशन, 550 मीटर, इट विल गो 550 मीटर इन 250 रिवोल्यूशन। करेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ ए कार इज 77 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रिवोल्यूशन विल इट मेक टू ट्रेवल 121 किलोमीटर। पहले क्वेश्चन में हमको क्या दिया रहता था, कितना दूर जाने वाला था इतने रिवोल्यूशन से, मतलब रिवोल्यूशन हमको पता था। यहाँ पर हमको किलोमीटर दिया गया है, हमको रिवोल्यूशन फाइंड आउट करना है।
तो पहले हमको क्या करना है, हम तो ऐसे भी रिवोल्यूशन निकाल रहे थे क्योंकि वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू हमारा सर्कुमफेरेंस ऑफ सर्कल है। तो यहाँ पर व्हील लेंगे हम, तो लिख देंगे और इसका डायमीटर हमको गिवन है। डायमीटर लेके कैसे सर्कुमफेरेंस निकालते हैं वो हमको पता है। तो डायमीटर 77 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन रिवोल्यूशन ये वन रिवोल्यूशन हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको सर्कुमफेरेंस ऑफ सर्कल चाहिए इज इक्वल टू 2πr। और यहां पर मैंने सेम टू सेम 2r लिख देना है क्योंकि d इज इक्वल टू 2r है। और यहां पर हमको क्या करना है, 2πr इज इक्वल टू पाई डी, करेक्ट। और पाई हमारा 22/7 इंटू डायमीटर का वैल्यू पुट करेंगे, डी का वैल्यू 77 को 11, 22 पे 11, 242 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सर्कुमफेरेंस मतलब वन रिवोल्यूशन। तो ये है गया 242 सेंटीमीटर के लिए वन रिवोल्यूशन है, हमको रिवोल्यूशन ही चाहिए ना। तो वन डिस्टेंस हमको कितना दिया गया है, 121 किलोमीटर, पर यहां पर सेंटीमीटर है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 121 किलोमीटर को हमने हमको सेंटीमीटर पे कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, पहले हम मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 1000 हो गया क्योंकि 1000 मल्टीप्लाई करना है किलोमीटर टू मीटर पे, ये हो गया मीटर। और अगेन हम मीटर को सेंटीमीटर पे कन्वर्ट करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई करना है 121000 विथ 00 और ये हमारा सेंटीमीटर है, करेक्ट। तो 50 121 से 50 लगा देंगे तो वो सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर मीटर मैंने कन्वर्ट किया किलोमीटर टू मीटर पे 1000 मल्टीप्लाई करके, और मीटर टू सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया 100 मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो सेंटीमीटर हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। तो हमको अभी क्या करना है, हाउ मेनी रिवोल्यूशन निकालना है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमारा ये है 121 और 50 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या, वन रिवोल्यूशन जो डिस्टेंस कवर्ड बाय वन रिवोल्यूशन, तो वो कितना 240 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखेंगे क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय वन रिवोल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, टोटल डिस्टेंस हमारा 12150 डिवाइडेड बाय ये वन डिस्टेंस कवर्ड बाय वन रिवोल्यूशन 242। अभी आपको पता चल रहा होगा कि मैंने सेंटीमीटर पे क्यों कन्वर्ट किया इस किलोमीटर से सेंटीमीटर को, क्योंकि ये 242 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। तो इसको कट करेंगे 121, इसको कट करेंगे तो 2 और ये ऊपर कितना आ जाएगा 50 विथ 2, तो इसको कट कर देंगे कितना आ जाएगा 0000, तो 50,000 रिवोल्यूशन, ठीक है। तो हाउ मेनी रिवोल्यूशन विल इट मेक टू ट्रेवल 121 किलोमीटर, 50,000 रिवोल्यूशन इट विल टेक, इट विल टेक टू ट्रेवल 121 किलोमीटर, करेक्ट। तो 50,000 रिवोल्यूशन जो कि हमारा आंसर है, करेक्ट।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।